इलाफ ई मीडिया मोस्ट ट्रस्टेड चैनल। बलात्कारियों की हिम्मत अफजाई कर रहे हैं और ये बताना चाह रहे हैं कि तुम इसी तरह तुम बलात्कार करते रहो, हम तुम्हारे साथ हैं, तुमको छुड़ाएंगे और तुमको समाज में एक इज्जत दिया जाएगा, तुमको इज्जत का। स्पॉन्सर्ड बाय द टाइम्स वॉच एंड मोबाइल्स, ऑपोजिट चित्रा कॉर्नर मेन रोड, बिदर, AK रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशन, मैडीपट्टनम हैदराबाद, आगरा फुटवेयर कलेक्शन, मार्केट एरिया मेन रोड, बिदर, होप चेस्ट हॉस्पिटल नंदी कॉलोनी, बिदर, AK एंटरप्राइजेस एंड होम अप्लायंसेस, AK विला कॉम्प्लेक्स दरगाहपुरा, बिदर, एंड सफा मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, एड्रेस नियर रेक्स बार एंड रेस्टोरेंट, DCC बैंक रोड, बिदर। मैं फहीम, इलाफ मीडिया में आपका स्वागत करता हूं। आइए देखते हैं आज की खबरें। बिल्किस बानो का केस और उसका फैसला, फिर उन गुनाहगारों पर की गई मेहरबानी और उनके इस्तकबाल का नज़ारा तो सारे देश ने देखा। ऐसा क्यों हुआ ये भी किसी से ढका छुपा नहीं, लेकिन ऐसा करके हमने दुनिया के सामने अपने देश की बेटियों का भरोसा तोड़ रहे हैं। इंसाफ की भीख मांगने पर इंसाफ नहीं मिल सका, ये बेइंसाफी। और कानून की हिफाजत को लेकर देश भर में एहतजाज किया जा रहा है। बीदर में कल ख्वातीन समाजी तंजीमों ने मिलकर एहतजाज किया और इंसाफ कायम करने की मांग की। महोत्सव के मौके पर इस गवर्नमेंट ने उन्हें रिहा कर दिया, ये कानून के खिलाफ है। किसी भी बलात्कारी को, रेपिस्ट को कानून में रिहा करने की इजाज़त नहीं है, मगर उसके खिलाफ जाकर इस गवर्नमेंट ने इन मुलजिमों को रिहा किया। ये रिहा करते हुए उन्होंने अपने घटिया सोच का मुजाहरा किया है, ये कानून की खिलाफ वर्जी है। इस तरह बलात्कारियों को, रेपिस्ट लोगों की हिम्मत अफजाई कर रहे हैं और इनके रिहा होने के बाद उनका बड़े पैमाने पर इस्तकबाल किया गया, उनको मिठाई खिलाई गई, उनको औरतों के ज़रिए तिलक लगाया गया और उनके पैर छूने का नज़्म किया गया। ये एक मानों में बलात्कारियों की हिम्मत अफजाई कर रहे हैं और ये बताना चाह रहे हैं कि तुम इसी तरह तुम बलात्कार करते रहो, हम तुम्हारे साथ हैं, तुमको छुड़ाएंगे और तुमको समाज में एक इज्जत दिया जाएगा, तुमको इज्जत का मुकाम दिया जाएगा। हम इसके खिलाफ हैं और मैं इसीलिए इस एहतजाज की भरपूर तायद कर रहा हूँ और मैं सबसे अपील करता हूँ कि आखिरी तक बैठकर इस एहतजाज को कामयाब करें और गवर्नमेंट को बताएं कि ये गवर्नमेंट बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की खाली बात करती है, मगर ये बेटी के ख़िलाफ़ है, ना पढ़ाने के तायद में है ना उनकी इज्जत के तायद में है। कौन कौन सी तंजीमें आपके साथ? ये जनवादी महिला संगठन की तरफ से हो रहा है, इसमें कई तंजीमें सपोर्ट कर रही हैं। इसमें जमात इस्लामी की जो महिला विंग है, वुमेन विंग है, उनका भी सपोर्ट है और मैं बहसियत कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी, सीओ कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी का सदर, हमारी कमेटी की तरफ से हम भी ये तायद कर रहे हैं। हमारा डिमांड ये है कि दैट उनको सजा मिलना चाहिए। आपको पता है जो निर्भया केस पूरा भारत एक हो गया था कि इतना किसा पांच महीने के बच्चे को मार दिया पत्थर पे पटक के। सच्ची में उनके अंदर इंसानियत है कि नहीं है, मेरे को ये समझ में नहीं आ रहा, वो इंसान कहलाने लायक ही नहीं है। पहली बात तो हमको उनको पनिशमेंट मिलना चाहिए, इनको सजा मिलना चाहिए, कड़ी से कड़ी सजा हमको
सपोर्ट चाहिए उनको। अगर ये नहीं हुआ तो ये कंटिन्यू रहेगा, ये कभी खत्म नहीं होगा। अगर ये हुआ तो ही हम इधर से हटेंगे, नहीं तो नहीं। ये हर पूरा इंडिया में चलेगा, ये केस पूरा इंडिया में ये हो रहा चलेगा और चलता ही रहेगा अंटिल एंड अनलेस उनको पनिशमेंट नहीं मिला। अखिल भारतीय जनवादी महिला संघ के जिला सेक्रेटरी बात कर रहे हैं। आज जो गुजरात में दंगे फसादों में 2002 में दिलफिस बानू के खानदान को 7 लोगों को खत्म कर दिया गया और उनकी 3 साल की बेटी को पटक के मार दिया और उनके माँ पे जुल्म हो गया और दिलफिस बानू को 7 दिन तक बंद रख के 11 लोग मिलकर 22 बार रेप हुआ उनका। ऐसी सरकार को वो अप्लाई करी लड़ने के लिए तो वो लोग नहीं लिए केस, वो पैसा खा के बंद कर दिया गुजरात की सरकार 2002 में। उसके बाद दिलफिस बानू ने बॉम्बई जाके सीबीआई से मिलके उनके केस को जारी किया और वो लोगों को 11 लोगों को सजा हो गई। उसके बाद 2008 में सजा हो गई उनको। अभी आजादी के दिन 15 अगस्त को गुजरात की सरकार वो 11 लोगों को रिहा करी, क्योंकि ये बोल के रिहा कर दी कि वो एक ब्राह्मण थे, उनके ऊपर इतना गुनहगार नहीं हो सकते, उन्होंने बोल के रिहा करी। ऐसी सरकार हमारे देश में रही तो हम औरतों कैसे हिफाजत से रहेंगे? मोदी जी लाल किले पे ठहरते हैं और बोलते हैं कि मैं औरतों की हिफाजत करना मेरी जिम्मेदारी है, बोलते बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ बोल के बोलते हैं। क्या बेटी बचेगी तो बेटी पढ़ेगी ना? आज मोदी सरकार बीजेपी सरकार हम औरतों को कहीं के नहीं रखे, गुजरात सरकार में इतना उनको वापिस लेना उन लोगों को बोल के हम महिला संगठन वाली जनावरी वाले उनको अप्लाई करते हैं कि जल्द से जल्द वापिस जेल कर दे रहा हूँ उनको बोल के। The Times Watch and Mobiles Sales and Service Shop Address Opposite Chitra Corner Main Road Bidar Contact Number 7204332294